सर्वे कहाँ हो? चीज़ें जो हैं डिफरेंट हैं देन और यूरोपियन कंट्री से, तो देखते हैं हम, चेक करते हैं क्या क्या है। अगर आप लाइवली चीज़ देखना चाहते हो तो ये जगह आपके लिए, अगर आप नेचर देखना चाहते हो तो ये जगह आपके लिए, अगर आप नाइट लाइफ देखना चाहते हो तो ये जगह आपके लिए, और अगर आपको नेचर पसंद है, हाइकिंग पसंद है, स्कीइंग पसंद है तो ये जगह आपके लिए, और अगर आपको थीम रेस्टोरेंट्स का शौक़ है, शॉपिंग का शौक़ है तो ये जगह आपके लिए। Isn't it amazing? तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, और इस जगह को, मतलब इस पार्ट को बोलते हैं साउथ टायरोल ऑल्सो। तो अब मैं आपको एक्सप्लोर कराती हूँ अपने साथ ये जगह, एंड बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और मैं अब आपको ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो शायद ना आपने किसी के मुंह से सुनी हो कि, और आप बिलीव भी नहीं करोगे, एक ऐसा आदमी जो 5300 साल से भी ज़्यादा प्रिजर्व करके रखा है आइस में, जिसको बोलते हैं ऑट्सी द आइसमैन यहाँ पर, और यहाँ पर एक म्यूज़ियम है जिसे बोलते हैं साउथ टायरोल म्यूज़ियम ऑफ आर्कियोलॉजी, एंड वहाँ पर उसे प्रिजर्व करके रखा है। उसकी स्टोरी ये है कि वो जो मैन था उसे, मतलब ये जो ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर, वहाँ पर किसी ने मार दिया था, मतलब वो मर गया था और वो कहीं पर जो है आइस में दफना गया। एंड देन फिर 1991 में जो हाइकर्स वगैरह थे वो गए होंगे वहाँ पर, और उन्होंने वो पाई गई उसकी डेड बॉडी, और जो वो बॉडी थी वो विद पूरे कपड़े एंड उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स और उसके जो चीज़ें थी उसके साथ पाई गई। और अब वो जो मम्मी भी बोलते हैं उसे और आइसमैन भी बोलते हैं, वो यहाँ के म्यूज़ियम में जो है वो प्रिजर्व करके रखा गया है, और उसके ऊपर बहुत सारी जो है वो रिसर्च चल रही है। एंड दिस इज़ अमेजिंग, मतलब मैंने कभी ये चीज़ नहीं सुनी है कि 5300 साल से भी ज़्यादा, मतलब आप इंसान को देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि 5300 साल पहले जो इंसान है वो कैसा दिखता होगा, एंड दैट्स एन अमेजिंग थिंग। तो आप उस म्यूज़ियम में विज़िट कर सकते हो, मस्ट विज़िट प्लेस है, और ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है इस जगह की, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी। एंड म्यूज़ियम का टिकट होता है, एडल्ट का 9 यूरो होता है और किड्स का होता है, तो आप वो ज़रूर 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 विज़िट करो। देखो हम इस दुकान पे खड़े हैं, वो भी इंडियन है, वो जूस बेच रहे हैं। यूरोप में जूस नहीं मिलता ऐसा फ्रेश, पर यहाँ पर मिल रहा है। पर यहाँ पे क्या, मतलब टूरिस्ट बहुत आते हैं क्या? टूरिस्ट बहुत है। अभी भी ये ज़्यादातर टूरिस्ट थे या लोकल आओगे तो इधर घूम के, इधर चोपड़ा बुलदान है। हाँ हाँ, गए थे आप? नहीं नहीं, अभी हम वो जो रोड जो है एक जाती है, इधर ही है नजदीक। अच्छा, पास में जाता है क्या उसका नाम? केबल कार ऊपर की तरफ। कल्चर जो है वो रहते हैं, इसलिए यहाँ पर तीन लैंग्वेज बोली जाती है, इटालियन
एंड जर्मन एंड लाडेन करके, एंड सभी लोगों का जो कल्चर है इसलिए बहुत मिक्स, बहुत ही डिफरेंट देन जर्मनी से यहाँ का कल्चर। अभी मैं बैठी हूँ पार्क में, जो ईस्टर्न पाथ है वहाँ पर है माउंटेन रेंज, जो कि बहुत सुंदर माउंटेन रेंज है जिसे डोलोमाइट्स बोलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट माउंटेन रेंज वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो आसपास की जगह में से ये भी एक इंटरेस्टिंग जगह है जो आप देख सकते हो, जो कि हम नेक्स्ट जाने वाले हैं। वी विल नॉट कवर ऑल द एरिया, बट कुछ पार्ट्स जो हैं वो हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर। Check the mic and make sure it sound right, boys. ये सोच रहे हो कि छोटी सी जगह है, इसमें नाइट लाइट नहीं है, तो नहीं आप गलत सोच रहे हो, बिकॉज यहाँ पर बहुत अच्छी नाइट लाइट है। अभी बजे अच्छा लगा होगा तो लाइक, मतलब थम्स अप छोड़ना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड्स करना मत भूलना। ऑल्सो हाउ एक्सपेंसिव इज दिस प्लेस, तो दिस इज़ द एक्सपेंसिव प्लेस क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट लोकेशन है, बट दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस क्योंकि हम लोग भी एक बार आए तो हम लोग पक्का दूसरी बार भी आने वाले हैं, और हम दूसरी बार वही जगह जाते हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती है। और जब मैं बोल रही हूँ दैट मीन्स कि ये बहुत अच्छी जगह है। और हाँ, अगर ये आपने इस जगह के बारे में नहीं सुना हो बुलजानो, तो भी मुझे ज़रूर कमेंट करना आपको नई कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो से। और फिर मिलते हैं, अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो है इन्सब्रुक, और उसके बारे में बताते हैं जो कि ऑस्ट्रिया में है, और अभी हम खड़े हैं इटली में। हम थे बुलजानो में, इटली बुलजानो, जो कि स्विट्ज़रलैंड और एक मतलब बॉर्डर है, स्विट्ज़रलैंड है एक तरफ एंड ऑस्ट्रिया है, एंड ऑन द बॉर्डर ऑफ स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रिया। एंड अब हम लोग इन्सब्रुक जा रहे हैं, और एक बहुत ही सुंदर वो है रोड, यहाँ पर सबसे सुंदर रोड, वो घूमते हुए जाएंगे। और आपको यकीन नहीं होगा, इस जगह पर इतने अपने लोग दिखते हैं, लाइक पाकिस्तान, पंजाब, इंडियन, कि मैं आपको क्या बताऊँ, हर तीसरा इंसान जो वही है, और कम से कम 10 से भी ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट हैं। और आपको क्या चाहिए वो मिलेगा, जूस, मैंगो जूस, कुछ भी जो भी खाना पीना है, ये सिर्फ मैंने यहाँ पर देखा है। देखो ये इंडियन मसाले, और ये हमारे इंडियन बंदे। आप कहाँ से आए? हम लोग, मैं एमपी से हूँ और वो हरियाणा से। हरियाणा भाई। It sound right, boys.